हाँ, तो आज का एक नया टॉपिक है, हमने रिलेशन को पढ़ लिया, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है और कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक। मान लेते हैं 1 2 3 और ए बी सी, 1 इज रिलेटेड टू बी, 2 इज रिलेटेड टू सी एंड 3 इज रिलेटेड टू ए, मान लेते हैं। तो ये जो ए टू बी में है, अगर रिलेशन आर है, जो कि होता है रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी, तो आर इनवर्स जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, बी टू ए। तो बी टू ए क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, आर इनवर्स। यानी कि अगर हमारे पास रिलेशन है जो है ए कॉमा बी की फॉर्म में है, या कोई भी है, जैसे यहां से मैं मान लीजिए 1 कॉमा बी, 1 बी से रिलेटेड हो रहा है ना, और 2 कॉमा सी और 3 कॉमा ए, अगर मेरे पास R ये है रिलेशन, तो R इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, R इनवर्स मतलब B टू A, A इज रिलेटेड टू 3, तो ये हो जाएगा A कॉमा 3, B इज रिलेटेड टू 1 और 2 और C इज रिलेटेड टू 2, ये हो जाएगा क्या, R इनवर्स। अच्छा, R इनवर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, R इनवर्स को B कॉमा A, क्यों, सच दैट अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है तो इनवर्स को कौन बिलोंग करेगा, बी कॉमा ए। कैसे, समझो 1 कॉमा बी तो यहां क्या है, बी कॉमा 1, उल्टा हो जाएगा सिर्फ, 2 कॉमा सी तो यहां क्या है, सी कॉमा 2, उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि आर में जो है, तो आर इनवर्स को उल्टा हो जाता है ऑर्डर पेयर, तो इसमें क्या होगा, अगर ए कॉमा बी आर रिलेशन को बिलोंग करेगा तो आर इनवर्स को कौन बिलोंग करेगा, बी कॉमा, ठीक है, ऑर्डर चेंज हो जाएगी। क्या सबको समझ में है, अब यहां से कुछ कंक्लूजन निकलता है, डोमेन ऑफ आर बजाओ, डोमेन और ऑफ आर किसके इक्वल होगा, वहां से देखें, अगर आर इनवर्स की बात करें, आर इनवर्स की डोमेन ऑफ आर यहां से देखो 1 2 3, पहला एलिमेंट ही तो डोमेन होता है, और R इनवर्स में 1 2 3 क्या बन चुका है, रेंज, R इनवर्स में 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू रेंज ऑफ R इनवर्स, गलती तो नहीं है। अच्छा, रेंज ऑफ R क्या बन जाएगी फिर, रेंज ऑफ R देखो, रेंज B C A, ये रेंज है ना, और यहां पे ये क्या बन चुकी है, डोमेन किसकी, R इनवर्स की। तो मैं यहां से कंक्लूजन निकलता है कि ये बन जाएगी डोमेन किसकी, आर इनवर्स की। तो यहां तक आपको समझ में आया, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर इनवर्स, रिलेशन के इनवर्स का, क्लियर है बिल्कुल, क्या करना लिख लीजिए, बस इतना ही। हाँ भाई, इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं इनवर्स वाले पे, तो क्लियर हो जाएगा। और ए कोई सेट है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, तो हमारे पास अगर ए दे रखा है तो हम क्या लिख लेंगे उसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पहले 10 नेचुरल नंबर। आर एक रिलेशन दिया है इस तरीके से कि एक्स कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग करेगा और एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 10, तो आप एक्सप्रेस करिए आर और आर इनवर्स को ऑर्डर्ड पेयर्स में, सबसे पहले आर को करें। अच्छा, एक बात बताइए, मैं सारी चीजें कैलकुलेशन उधर थोड़ा थोड़ा कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो। अब सुनिए, यहाँ पे बोला है R be a relation defined on A, इसका क्या मतलब है, defined on A, relation A to A है, A to A, दोनों साइड मतलब A से ही चल रहा है। चलिए, तो X में क्या रखेंगे, सबसे पहले नेचुरल नंबर 1, X में अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये सॉल्व क्या मन में कर पाओगे कि साइड में करूं, कर पाओगे, रखो जल्दी, 1 रखेंगे इधर जाएगा 9 9 upon 2 y, कितना आएगा 9 upon 2 4.5, क्या वो नेचुरल नंबर है, तो क्या बिलोंग करेगा, तो 1 को हटाओ, x की जगह रखो 2, जब इधर जाएगा 8 8 upon 2 4, ये आ जाएगा, यानी कि क्या आया 2 comma 3, रखोगे तो 7 upon 2, इससे मतलब समझ में आ रहा है कि ऑड नंबर्स काम नहीं कर रहे हैं इसमें। चलो 4 रखो, 4 रखने पे क्या आएगा 3, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4 रखा इधर जाके 6 6 upon 2 3, चलिए 6 रखो 6,
क्या बचेगा टू। अच्छा एट रखो एट वन नॉट माइनस वन प्लस वन ही तो बच रहा है ना। और टेन रखोगे नहीं क्योंकि टेन रखने पे जीरो आ जाएगा और जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर तो बेटा टेन नहीं रखा जाएगा। ठीक है मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया रिलेशन आर जो इसने बोला है। अब क्या निकालना है आर इनवर्स। हाँ बेटा आर इनवर्स में क्या करेंगे सबको कुछ नहीं उल्टा कर दो ये 2.4 को 4.2 सही है। अब आपसे क्या बोला है इसमें फाइंड द डोमेन। चलो पहला पार्ट किसका डोमेन डोमेन ऑफ आर कितना आ रहा है भैया आर का डोमेन देख लो 2 4 6 8 और किसका डोमेन बोला है डोमेन ऑफ आर इनवर्स कितना आ जाएगा डोमेन 4 3 2 1 1 2 3 4 सही है। अच्छा इसने हमसे क्या बोला है रेंज ऑफ आर रेंज ऑफ आर 4 3 2 1 1 2 3 4 और क्या बोला है निकालने के लिए रेंज ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स की रेंज आर इनवर्स ये रहा इसकी रेंज 2 4 6 8 सही है। कोई परेशानी यहां तक कैसी भी चलो नोट कर लो खत्म हो गया।